नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस से जुड़ी हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहे हैं। आपको बता दें, पीएम मोदी द्वारा 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया है। इसके तहत सभी को घरों में रहकर इसका पालन करना है, घरों से बाहर नहीं निकलना है। इसी क्रम में जिलाधिकारी जौनपुर द्वारा 25 मार्च को होम डिलीवरी कर घरों तक सब्जी, खाद्यान्न व फल पहुँचाने की जिम्मेदारी की शुरुआत की गई है। इसका शुभारंभ 25 मार्च को 10 पिकअप वाहनों को हरी झंडी दिखाकर किया गया। 26 मार्च से इन वाहनों की संख्या 30 हो जाएगी। वह घरों पर पहुंचकर सबको वाहन वाहन के जरिए जो है सब्जी, खाद्यान्न और फल वितरित कराएंगे। जिलाधिकारी का कहना है, आपके घर के सामने दाल, चावल, आटा, मसाला, नमक, सब्जी का सामान पहुँच जाएगा। आप अपने घर में के सामने इन चीज़ों को खरीद सकते हैं। इसलिए अनुरोध है कि आप घर के बाहर ना निकलें। किसी भी दुकान पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे आप किसी के संपर्क में आएंगे और आप संक्रमित हो सकते हैं यदि वह व्यक्ति पहले से संक्रमित है। इस संक्रमण से बचाव के लिए एक ही उपाय है, आप अपने घरों में रहें और हम आपके घर ही आपको खाद्यान्न, सब्जी, फल उपलब्ध कराएंगे। वह 3 नंबर पब्लिक किए हैं जिसके तहत आप फ़ोन करके उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। आप ध्यान से सुनिए, पहला नंबर है 91 40 59 44 21, दूसरा नंबर है 91 19 60 28 71, तीसरा नंबर है 94 15 82 84 13। कृपया उनका कहना है, कृपया प्रधानमंत्री के लॉकडाउन के आह्वान का सभी मिलकर पालन करें, जिससे इस संक्रमण की बीमारी से निपटा जा सके। उन्होंने सभी SDM को भी निर्देशित किया कि वह अपनी तहसील व क्षेत्र व नगर पालिका, नगर पंचायतों में भी दो दो वाहनों को होम डिलीवरी के लिए लगाएं। अगर आपको हमारा चैनल इंडिया बोलेगा अच्छा लगता है तो YouTube पे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए, शेयर करना।